बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मोह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करे। कांग्रेस के नेता और कमलनाथ भगवान से बड़ा अपने आप को मानने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने छिंदवाड़ा में एक केक काटा है। हालांकि उनका जन्मदिन जो है वो 18 नवंबर को आता है, लेकिन उसके पहले ही जब वो पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ में केक बनवाया, उन्होंने केक काटा। फिलहाल केक काटना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं थी, ये अच्छी परंपरा है। लेकिन वो केक जो था वो हनुमान मंदिर की आकृति का बना हुआ था, वो हनुमान मंदिर जो कमलनाथ ने 3 साल पहले बनवाया था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। हनुमान मंदिर के केक की आकृति का केक जो आकृति का जो केक था उसको काटने के बाद में सियासत गरमाई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके इसका विरोध किया, कई नेताओं ने भी विरोध किया। बहरहाल क्या कमलनाथ जी का हनुमान मंदिर के आकार का केक काटना जायज है या नहीं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता देवकिंदन तिवारी जी। तिवारी जी बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता संजय महिंद्रा जी। संजय जी बहुत स्वागत आपका भी करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद है संजीव वैद जी जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं देवकिंदन जी आपसे पूछना चाहूंगा, तिवारी जी से क्या लगता है आपको, कमलनाथ जी के द्वारा हनुमान की आकृति का, हनुमान मंदिर की आकृति का केक काटना किन संदर्भों में गलत जान पड़ता है? मुझसे पूछा सर? जी जी सर, अब मैं क्या बोलूं सर, ये कैसी संस्कृति, ये कैसे संस्कार है सर, केक कहीं से कहीं तक भी शुद्ध नहीं होता है। जिस मंदिर में हम भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वहां पे केक काटना, कौन सी, कहां से ये विचार आया कि हनुमान जी के मंदिर में लाके केक काटा जाए? सर सरासर बहुत गलत है, यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हमारे संस्कार के खिलाफ है। सर देवकिंदन जी, वो जो केक था वो हनुमान मंदिर की आकृति का केक था और जी, और ये मंदिर भी कमलनाथ जी ने ही बनवाया था, तो क्या आपको लगता है कि इस आकृति का केक काटने से कहीं कोई गलत होता है? सर ये मैं बोल रहा हूँ, भगवान हनुमान जी का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा कि उनकी आकृति का हम केक बनाए और उस केक को काटें और फिर वो लोगों को बांटें, इससे बड़ा अपमान पूरी हमारे पूरे भगवान का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता सर? ये सर मानते हैं, ये मतलब अति, ये मतलब माना कि माननीय कमलनाथ जी ने मंदिर बनवाया है, लेकिन मंदिर बनवाने का यह मतलब तो नहीं है कि वो मंदिर में जो चाहे वो करें। मंदिर में अकेले दर्शन करते हैं क्या पब्लिक या जो भक्त लोग आते हैं उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव आएगा सर? जी संजय महिंद्रा जी, क्या आपको लगता है जो देवकिंदन तिवारी जी बोल रहे हैं कि ये अपराध है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज की है कि माना कि कमलनाथ जी ने वो मंदिर खुद ही बनवाया था, लेकिन मंदिर की आकृति बनाकर केक बनाकर उसे काटना कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करता है। देखिए एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर जितनी आक्रामकता से उत्तेजित हो रही है, मैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के किए गए कुछ करतूतों को आपको बताना चाहता हूं। अभी हाल ही में बंशीधर भगत विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा के लिए माता सरस्वती, धन के लिए माता लक्ष्मी और शक्ति के लिए दुर्गा देवी को पटाओ। ये मां दुर्गा का बड़ा भारी सम्मान था। नंबर एक, फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री विवाह योजना में भारतीय जनता पार्टी के समूचे मंत्रिमंडल ने जूते पहनकर भगवान श्री गणेश की आरती की और उन्हीं जूतों को पहनकर भगवान श्री राम की भी आरती उतारी। जूते उतारना मुनासिब नहीं समझा।
जो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार कहने से नहीं चूकती, भगवान राम के लिए जब वो ये कहती है कि राम को लाने वाले हम हैं, तब देश की जनता उनकी वाहवाही करेगी? ये सम्मान होना ईश्वर का कि राजनेताओं को आप ईश्वर तुल्य बना रहे हैं? आप किस दिशा में जा रहे हैं और फिर किस हक से कमलनाथ जी से सवाल कर रहे हैं? और मैं इसके अलावा एक बात और कहता हूं, रम में राम बसे, विस्की में विष्णु, जिनसे जानकी बसे, ठर्रे में हनुमान बसे, प्रभु सियापति रामचंद्र की जय। नरेश अग्रवाल जिन्होंने भरी संसद में दोहा पढ़ा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए डूब के चुल्लू और पानी में मर जाने की बात नहीं है। उसके बाद आपने उनके लड़के को आबकारी मंत्री बना दिया। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मैंने उनको बहुत ध्यान से सुना था। तो सवाल ये है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक लें। महेंद्र जी, भावनाओं को समझो। भावना भगवान भगवान जो है देर करेगा, अंधेर नहीं करेगा। लेकिन भगवान के साथ ही अगर आप ऐसा करोगे, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान कुछ बोलते नहीं है, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं, भगवान के यहाँ सब गिनती हो रही है। आप मुझे बताइए कि इतने करोड़ों लोगों की भावनाओं को हाथ करके हनुमान जी को काट देंगे? हम इतने शक्तिशाली हो गए हनुमान जी को काट देंगे? नहीं नहीं नहीं, आप समझो, आप भावनाओं को तो देखो। मैं भावना बता रहा हूँ आपको, मैं भावनाएं बता रहा हूँ। आप भावनाओं से ठर्रे में हनुमान जी को बसा दें, आप जूते पहन के भगवान श्री राम की आराधना करें, आप राजनेताओं को ईश्वर का दर्जा दें, तब कोई भावना हाथ नहीं हो रही। आप खुद तो सोचिए, मनुष्य की हैसियत कितनी है उसको, अरे इसमें क्या देखना है मनुष्य की हैसियत? जो गलती जानबूझ के की जा रही हो, सरेआम की जा रही हो, हम मंदिर बनवाए भगवान हनुमान जी का, हम उनसे आशीर्वाद लेने के बजाय उनका ही चित्र लगा के उन्हीं को काट दे, उनकी आकृति बना के उन्हीं को काट दे, ये सत्य है क्या? बताओ आप मुझे। आप भी भगवान के भक्त हो ना, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं हो? हो ना भगवान के भक्त? ठीक है हनुमान जी, आप ये तो बताइए कि ये जो मैंने गिनाए, इन कृत्यों का क्या जवाब है आपके पास? जी, उन कृत्यों का भी जो जैसा होना था वो सब हुआ है, लेकिन आप तो जो जिस तरीके की आज ये जो कृत्य हुआ है इसके बारे में बात करो आप। जो देखो यू तो हम भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या हमको भी मालूम है कि जब चुनाव आते हैं, जब राहुल गांधी जी जनेऊ धारण करते हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं धारण करते हैं? जब चुनाव आते हैं, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं जाते हैं? ये तो सब छोड़ो, आज की बात करो। आज हम हनुमान जी के साथ में हमने क्या किया, हम उसकी बात करें। मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूँ। राजनीति में पुरानी बातें भी की जाती है, मेरी बात कीजिए, लेकिन पुरानी तो हम भी खोल लेंगे। तो फिर ये अभी जो 10-15 मिनट 20 मिनट की जो बहस है, ये उसी में खत्म हो जाएगी, पुरानी में खत्म हो जाएगी। आज जो है, आज की जो बात है, उसमें तो पहले वो कर दो आप, इसमें स्पष्टीकरण दो आप। तो क्या क्या कमलनाथ जी ने सही करा, क्या कमलनाथ जी ने सही करा, आप तो ये स्पष्ट करें। कह रहा हूँ, आपने अपनी बात कह ली, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। संजय जी, बहुत सामान्य सवाल ये है कि आप बता रहे हैं कि भाजपा ने गलत किया, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाजपा के गलत करने से ये हक मिल जाता है किसी को कि वो भी गलत करें? क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जी का ये जो काम जो किया है, इससे आप सहमत हैं? मैं जवाब देता हूं। देखिए, ऐसा है, आरोप कमलनाथ जी के ऊपर लगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी पे जो आरोप भाजपा लगा रही है उस विषय में। आरोप नहीं है, हकीकत है। आरोप कहां है? ये तो वास्तविकता है ना, आरोप कहां है? अरे आरोप हकीकत में दोनों का जवाब दे रहा हूँ, आप 2 मिनट रुकिए, इतना परेशान हो रहे हैं। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ, अभी कमलनाथ जी का तो कोई वक्तव्य सामने आया नहीं है, तो जब तक कमलनाथ जी का कोई वक्तव्य सामने नहीं आता, मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर एक बात कर रहा हूँ, एक सीधी सीधी सी बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी हिंदू बनने का आरोप जिन राहुल गांधी पे लगा रहे हैं, उससे पहले वो कम से कम अपने गिरेबान में तो झांक के देख लें कि वो तो 24 घंटे। ये भी आरोप नहीं है, करोड़ों जो हमारे देश के करोड़ों लोगों ने सबने आंखों से देखा, आरोप नहीं है। या तो मेरी पूरी बात, चलिए हम संजीव से बात करते हैं। मैं केवल 5 सेकंड में अपनी बात करूं। मैं आरोप कौन लगा रहा है? जी बोलिए। आज की तारीख में ग्वालियर में पीपल समाचार की हेडलाइन पढ़ लीजिएगा आप लोग, उसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर ग्वालियर के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हाँ मैं नौटंकी करता हूं, मैं नौटंकीबाज मंत्री हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्तर के लोग जब खुद ही अपने आप मुंह से कबूल रहे हैं कि हम नौटंकी करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से लेने की जरूरत भी किसको है?
चलिए संजय संजय चलिए आपसे बात करता हूँ, लेकिन संजीव वैद्य जी हमारे साथ, संजीव जी दोनों जो प्रवक्ता उनकी बातचीत सुनी आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों की, लेकिन क्या आपको लगता है, चूंकि संजय जी व्यक्तिगत रूप से कोई बात शायद उस पर नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हनुमान मंदिर की आकृति का केक काटना कहीं किसी रूप में गलत है, भावनाओं को आहत करने वाला है? जी देखिए, मैं बोलूंगा तो ये गलत तो है, खैर हनुमान मंदिर की आकृति का केक काटना बिल्कुल गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी बोलना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर के जो लोग बवाल मचा रहे हैं वो भी अपने गिरेबान में जांच करके देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप में हिंदूवादी पार्टी बनने का काम जरूर करती है, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां भी उन्होंने की है, तो गलतियां तो देखिए सबसे होती है, कमलनाथ जी से गलती हुई है, लेकिन बात वही है कि भाजपा ने इससे बड़ी बड़ी गलतियां की है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि धर्म और राजनीति को एकदम पृथक रखना चाहिए, एक राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह के कृत्यों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, मैं इसी बात का समर्थक हूँ। संजय जी क्या लगता है, गलती आप संजीव जी का कहना है कि गलती गलत ये गलत बात है, गलती है, क्या आपको लगता है कि गलती है ये? महेंद्र जी मैं आपको पंकज जी सीधा सा जवाब दे तो रहा हूँ कि मेरे नेता कमलनाथ जी का, मेरे नेता आदरणीय कमलनाथ जी का इस पर कोई वक्तव्य नहीं आया है, पहले उस वक्तव्य को सामने आने। आप क्या सोचते हैं संजय जी, निश्चित तो देखिए एक व्यक्तिगत राय भी होती है। देखिए मैं आपको, अगर आपको इसका जवाब मुझसे ही चाहिए तो मैं आपको इसका जवाब भी देता हूँ। क्या होता है, कार्यकर्ता अति उत्साह में प्रतीकात्मक कोई केक बना के लाए, उनकी भावनाओं के सम्मान में कमलनाथ जी ने उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए केक काट दिया, ये केवल एक प्रतीकात्मक बात है। इसके पीछे हनुमान जी की भाई, जिस मंदिर को स्वयं कमलनाथ जी ने बनवाया हो तो उनसे बेहतर श्रद्धा और आस्था कौन रखता होगा, और सारी दुनिया जानती है कमलनाथ जी कितने बड़े हनुमान भक्त हैं। कमलनाथ जी ने जो कॉरिडोर बनाया विश्वनाथ जी का, उसको लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी करने लगी, वो तो गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे रहते हैं ना कि कोई भी काम अगर अच्छा हो तो उसका हम फीता कैसे काटे। अभी खड़गे जी ने अपने इंटरव्यू में ही कहा कि मैंने ट्रेन काशी तक के लिए दी थी और माननीय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने लगे ये तो मैंने आपको दिए। तो देखिए ये तो गलती हम करें और कार्यकर्ताओं को इसका दोषारोपण करें ये भी ठीक नहीं है महेंद्र जी। देखिए आप ये बताइए, केक हम काट रहे हैं, हनुमान जी को हम काट रहे हैं, लोगों की भावनाओं से हम खेल रहे हैं, लोगों की भावनाओं को हम आहत कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं पे उसका दोषारोपण कर दे कि भैया कार्यकर्ताओं ने कोई नहीं बना के ला दिया, हमने बांट दिया, कोई नहीं कर रहा। सबसे पहले महेंद्र जी आप इंतजार मत करो माननीय कमलनाथ जी के वक्तव्य का इंतजार मत करो, आप उनसे बोलो हनुमान जी से माफी मांगे और फिर जो भक्त हैं उनसे माफी मांगे, जो भावनाएं लोगों की हाथ हुई है उनसे माफी मांगे। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, नहीं आ रही, मैं अपने ईश्वर के प्रति कोई गलती करूंगा तो उसको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मुझे क्या जरूरत है, मैं जानूंगा मेरा ईश्वर जाने, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों कूद रही है, भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना इस मैटर से। भारतीय जनता पार्टी भी भगवान को मानती है तब बोल रही है भगवान, भारतीय जनता पार्टी भगवान से अलग थोड़ी है, भगवान का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे है, बिल्कुल रहेगा। आपको अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इन गलतियों को मानो, इन गलतियों को मान के इनको गलतियों को सुधारने का काम करो बॉस। हम जिस देश में रहते हैं संजय जी हम जिस देश में रहते हैं वहाँ भावनाओं का बहुत ख्याल होता है, क्योंकि संजीव वैद्य जी आप चूंकि आप मनोविज्ञान के भी प्रोफेसर हैं, क्या कारण है कि जब कोई इस ढंग से भावनाएं आहत इस ढंग से कृत्य होता है तो आम आदमी आहत होता है, इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? कमलनाथ जी ने चूंकि निश्चित रूप से संजय सही बोल रहे हैं कि उन्होंने मंदिर खुद बनवाया है लेकिन उन्होंने केक काट दिया आकृति का, आम आदमी की भावनाएं आहत, क्या मनोविज्ञान है इसके पीछे? देखिए असल में हमारा जो समाज है वो धर्म प्रेरित समाज है ना, हमारे मस्तिष्क में मन मस्तिष्क में रिलीजन बैठा हुआ है, उसके साथ हमारी गहरी आस्था जुड़ी हुई है, और जहां पर भी आस्था जुड़ी होती है तो वहां पर ऐसे छोटी छोटी घटनाओं पर बड़े बड़े बवाल क्रिएट हो जाते हैं, है ना। हालांकि घटना छोटी नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी को भी अनुमान नहीं था कि इसका इतना बड़ा रिजल्ट आ जाएगा, कार्यकर्ताओं को भी अनुमान नहीं था। तो हम लोग धर्म प्रधान देश वाले लोग हैं और यहाँ पर धर्म का सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म प्रधान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धर्म का जब राजनीति में इस्तेमाल होने लगता है वो बुरी बात होती है। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं, इनको आपस में समाहित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उन्हीं पर आ रहा था कि उनका तो एजेंडा ही वही है, लेकिन मैं कांग्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि आप लोगों का एजेंडा वैसा नहीं है, वी आर सेकुलर लोग, है ना। तो ऐसी गलतियां अगर हो जाती है तो कार्यकर्ताओं को समझाएं इस प्रकार की गलतियों से हम बचे, जितना ज्यादा बचेंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो इसका फोकट में माइलेज बीजेपी उठा करके ले जाएगी। मैं जवाब देता हूँ,
मैं जवाब देता हूँ। क्या जी आप जवाब दीजिए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, कार्यकर्ताओं के स्तर पर वो काम गलत था? कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए था इस पर कि किस तरह केक बनना चाहिए। देखिए क्या होता है, कार्यकर्ताओं की क्या मानसिकता है, कार्यकर्ता कितने खुश होकर उस केक को बनवा के लाए कि साहब ये आपने बंदर बनवाया और आज आपके जन्मदिन पर हम आपसे मिल पाए या ना मिल पाए, वो बात की बात होगी। क्योंकि पता नहीं कितनी व्यस्तता होगी राहुल गांधी जी की, भारत जोड़ो यात्रा भी अब जो है मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही। संजय जी मैं आपसे माफी चाह रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए कार्यकर्ताओं की गलती है, क्या आपको लगता है कार्यकर्ता गलत थे? मैं कह रहा हूँ हो सकता है अति उत्साह में कार्यकर्ताओं का ध्यान इस बारीकी पे ना गया हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप एक बहुत छोटी सी बात को इतना बड़ा तूल आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। भाई आपने महंगाई पे बात नहीं करनी, आपने बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, आपने भ्रष्टाचार पे बात नहीं करनी, आपने युवाओं को रोजगार देने पे बात नहीं करनी। आपने क्या ढूंढ के लाना है कि वो फलाना कैसे काम हो गया धर्म को लेके, वो फलाना धर्म को लेके कैसे काम हो गया? भैया शास्त्रों में लिखा है भूखे पेट ना भजन और गोपाला। जनता को भारतीय जनता पार्टी से मेरा अनुरोध है कि रोजी रोटी देने का प्रबंध करे। केवल भूखे पेट राम राम जय श्री राम बुलवा के उनके आपके और हमारे बच्चों का भला नहीं होने वाला। इस देश का भला, इस देश का युवा रोजगार चाहता है, मगर आपने उस पर बात नहीं करनी। बन्ने पलट के देख लो, भाजपा और कांग्रेस दोनों को सामने रख लो, किसने क्या काम किया सब आपके सामने है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक को आप जितना गुमराह करना चाहते थे तिवारी जी उतनी गुमराह नहीं कर रहे हैं, दिखता है जो दिखता है, जो दिखता है, जो दिख रहा है, विकास दिख रहा है, मध्य प्रदेश पहले का दिख रहा है, मध्य प्रदेश आज का दिख रहा है। तभी तो माननीय अदालत आपसे पूछेगी नोटबंदी पे जवाब दे दो। अभी तो आप प्रायश्चित करने का काम करें भैया, बाकी सब अभी बाद में देखना, पहले प्रायश्चित कर लो। हनुमान जी का कोप जो है ना उससे बचो। हम तो हनुमान जी के कोप से बचे ही रहेंगे, आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, हमारी चिंता आप मत कीजिए। प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित चलते आपसे सवाल करने लगी है आपसे उनका जवाब। क्योंकि संजय महिंद्रा जी, देवकंदन जी समय चूंकि कम है, संजीव जी समय बहुत कम है, लेकिन निश्चित रूप से जो विषय था कि आखिर कमलनाथ जी ने जो जिस मंदिर की आकृति का केक काटा है उसके बाद में भाजपा की तरफ से जो कहा गया उससे इस सामने आया कि कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई हैं। चाहे कार्यकर्ताओं के स्तर पर वो गलती हुई है, लेकिन संजय जी भी इस बात को स्वीकार करें, अति उत्साह में कार्यकर्ता ने जो किया वो गलत था, और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को रखने के लिए जो कमलनाथ जी ने किया वो गलत था या नहीं, इस पर कमलनाथ जी का वक्ता रहना बाकी है। बहरहाल आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।